हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार की बैटरी को मैन्युअली कैसे चार्ज करें, अलग से कैसे चार्ज करें। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 28 एएच की बैटरी है ये, जिसको कि मारुति 800 कार में यूज किया जा रहा है। चार्ज करने के लिए मैं ये स्काई टेक का एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर लेके आया हूँ, और इससे किस प्रकार से मैंने बैटरी को चार्ज किया है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि कार है उसकी रनिंग कम है, लोकल चलती है 2-4 किलोमीटर और उससे बैटरी चार्ज हो नहीं पाती। सर्दी का समय है और सुबह सुबह सेल्फ ज़्यादा लगाना पड़ता है, इससे क्या होता है बैटरी का डिस्चार्ज रेट तो ज़्यादा है और चार्जिंग रेट कम है, क्योंकि बैटरी को चार्ज होने के लिए लगातार कम से कम 7-8 घंटे कार का रनिंग होना चाहिए। जबकि क्या होता है सर्दी होने के कारण सुबह सुबह सेल्फ ज़्यादा ले कार उठाती है और इससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वापस मार्केट में ले जाते हैं 2-3 किलोमीटर तो चार्ज नहीं हो पाती है। ये एक प्रॉब्लम रही, इस कारण से इसे क्या करना पड़ता है मैन्युअली चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर मैं लेके आया हूँ, ये है देख सकते हैं आप, और 12 वोल्ट डीसी बैटरी चार्जर लिखा हुआ है, 4 एम्प लिखा हुआ है, हालांकि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है आउटपुट है इसका 5 एम्प है और 12 वोल्ट डीसी ये बैटरी चार्ज करता है। इसका इनपुट वोल्टेज तो 100 वोल्ट से 250 वोल्ट एसी है और ऑटोमेटिक चार्जिंग कट इसमें बता रखा है। रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन है, अर्थात अगर हम गलत वायर लगा देते हैं तो प्रोटेक्ट रहता है हमारा चार्जर। और चार्जिंग इसका क्या है कि हम 6 एम्प से लेकर के 88 एम्प की बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हैं, और ये जो छोटी बैटरी है ये 28 एम्प की है। अब जब भी एक इसमें वार्निंग भी है कि जब आप चेंज करें बैटरी को तो आपको ये चार्जर है इसको स्विच ऑफ करके बैटरी चेंज करना चाहिए। तो ये स्काईटेक का लेके आया था मार्केट में, ये अवेलेबल मुझे मिला और इसके द्वारा मैंने फुल नाइट बैटरी को चार्ज किया है। ये चार्जर लगभग 400-500 रुपए की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाता है और इसका जो वेट बता रखा है 530 ग्राम। तो ये तो हुआ चार्जर की बात। अब हम बात करेंगे कि जब मैंने नाइट को रात को मैंने पूरी रात इसे चार्ज लगाया है और जब मैंने इसे चार्जिंग पे लगाने से पहले इसका वोल्टेज था लगभग 12 वोल्ट ये शो कर रही थी, मैंने चेक किया था रात को, और अभी इसका वोल्टेज मैं आपको बता देता हूँ कितना ये बता रही है। और अभी आप देखिए 13.60 के आसपास इसका वोल्टेज बता रही है चार्जिंग के बाद। मैंने लगभग रात को 10 बजे इसे चार्जिंग पे लगाया और अभी सुबह 10 बजे इसे चार्जिंग से हटाया था, और अभी ये चार्जर मैंने हटा रखा है बैटरी का, आप देख सकते हैं। अभी मैंने इस पर मल्टीमीटर लगा करके आपको वोल्टेज चेक कराया। नाइट में जब चार्जिंग पे मैंने इसे लगाया था तो ये 12 वोल्ट के आसपास बैटरी बता रहा था, और ये बैटरी लगभग 2-4 सेल्फ लेती थी सुबह सुबह और उसके बाद ये डिस्चार्ज हो जाती थी, इसलिए इसे मुझे फुल चार्ज करने के लिए चार्जर लेकर के आना पड़ा। तो ये आप देख रहे हैं अभी 13.60 वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब बैटरी अभी काफी चार्ज है। अब मैं ये मल्टीमीटर हटा देता हूं। अब हमें बैटरी को चार्ज कैसे करना है उसकी बात बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ एक डेंजर इसमें होता है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इससे हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है या किसी पर सीवियर बर्न हो सकते हैं। ये सावधानी हमारे को रखनी बहुत जरूरी है, हमारी आईज है उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। इसमें एक्सप्लोजिव गैसेज पैदा होती है और ब्लाइंडनेस या इंजरी हमें हो सकती है, और जब भी आप ये जो इसके कैप है इसको आप निकालेंगे तो आपके नो स्पार्क होना चाहिए पास में, कोई फ्लेम्स नहीं होनी चाहिए, नो स्मोकिंग होना चाहिए। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपको वैसे तो बैटरी को पहले पानी से आपको धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है किसी प्रकार के आंखों में अगर लग जाता है तो ब्लाइंडनेस हो सकती है या बर्न्स हो सकते हैं। और कपड़ा अगर कपड़े पर ये जो
ऐसी डगर लग जाता है तो कपड़े को ये काट देगा, इसलिए इनकी सावधानी बहुत ही जरूरी है। और कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है आपको, और इसे बैटरी को उल्टा या टेढ़ा नहीं करना है, और ये जो इसकी कैप है इसको आपने टाइटली पुनः लगाना होता है। अगर आपके किसी प्रकार से एसिड से कोई बर्न या इंजरी हो जाती है तो आपको पानी से अच्छी तरह से उसे साफ कर लेना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होता है कि ये कैप निकालने होते हैं, हालांकि अभी मैंने इन्हें निकाला हुआ है। इनको निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर पेचकस से थोड़ा उठाएंगे और दूसरी साइड से इन्हें इस प्रकार से उठाएंगे तो ये बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से जब आप चार्जिंग करते हैं तो आपके ये कैप खुले होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो गैसेस बनती है उनसे बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। तो आपको पहला काम यही करना है कि इनको आपने कैप को निकाल देना है, दोनों साइड के कैप को। ये कैप निकालने के बाद ही आप बैटरी को चार्ज पे लगाएं, और उसके बाद आप फुल नाइट इसे चार्जिंग पे लगा सकते हैं। और जब इसे वापिस आप फिटिंग करें तो भी हो सके तो पानी से इसे वॉश कर लें और उसके बाद ही इसे फिटिंग करें या उठाएं। तो अब मैं आगे बताऊंगा आपको इनको चार्ज कैसे करें। तो ये हमारे पास बैटरी का चार्जर है स्काईटेक का, देखिए इसमें हमारे जब चार्जिंग पे लगाएंगे तो चार्जिंग की लाइट जल जाएगी। अभी मेंस पे कनेक्ट है, ये देखिए आप मेंस पे मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है और मेंस पे ये बता रहा है। और अगर रिवर्स हम इसके लगा देंगे टर्मिनल तो ये लाइट जल जाएगी, आपको दिख रही होगी रिवर्स की लाइट जल जाएगी। मैं आपको बता दूं अगर रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, तो देखिए तो अभी आप देखेंगे मैंने क्या किया, वायर उल्टी लगा दी है और इस पे ये रेड कलर की जो लाइट है वो आपको दिख रही है रिवर्स। कहने का मतलब इसमें एक रेड और एक ब्लैक वायर है, जो मैंने क्या किया रेड वायर को प्लस की जगह पे लगाना था और ब्लैक वायर को माइनस की जगह, मैंने उल्टा किया। अर्थात रेड वायर है वो इस साइड लगा दी और ब्लैक इस साइड, मतलब उल्टे इसके टर्मिनल लगाने पे क्या होगा, इस पे रेड लाइट ग्लो करेगी, अर्थात हमें टर्मिनल सही लगाने की आवश्यकता है। और वो अभी मैं कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं 13.58 वोल्टेज इसमें बता रहा है, और अभी मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूं। ये माइनस की वायर आपको माइनस के स्थान पे लगानी है, और चार्जर की प्लस की वायर आप प्लस पे लगा दें। अभी वोल्ट चेक करके मैं आपको बता देता हूं कितना वोल्ट इसमें आएगा। ये देखिए 14 वोल्ट आ चुका है, अर्थात चार्जर अपना काम कर रहा है और ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस प्रकार से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 13 से लेकर के 14.5 वोल्ट होना चाहिए। अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है तो आपको 14.5 वोल्ट पे चार्ज करना है, अगर आपको मीडियम चार्जिंग करनी है तो आपको लगभग 13.5 वोल्ट चाहिए, और अगर आपको स्लो चार्जिंग करनी है तो लगभग 13.1 वोल्ट आपको चाहिए। हालांकि स्लो चार्जिंग में क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगी और टाइम ज्यादा लगेगा। ये 28 एएच की बैटरी है और इसको अगर आप 14.5 वोल्ट पे चार्ज करते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे इसको चार्जिंग में चाहिए। अगर आप इसको 13.5 वोल्ट पे चार्ज करते हैं तो इसको चार्जिंग के लिए कम से कम भी आपको 12 से 14 घंटे चाहिए, और अगर आप इसको 13 वोल्ट या 13.1 वोल्ट के आसपास चार्ज करते हैं तो कम से कम 16 से लेकर के 20 घंटे इसको चार्जिंग में चाहिए। तो इस प्रकार से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं अपने घर के ऊपर ही, और इस प्रकार का आपको ये बैटरी चार्जर लेके आना होगा, और इस पे सब प्रकार के जो है ना सेफ्टी फीचर भी दिए हुए हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बड़े काम की चीज़ है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया घर पर किस प्रकार से 12 वोल्ट की बैटरी को सेफली चार्ज करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।